नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। 9वें योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक योग सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। वो दुनिया के एकमात्र पीएम बन गए जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में विदेशी डेलीगेट्स के सामने योग किया। संयुक्त राष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम के वक्त उन्हें इस उपलब्धि को हासिल किया। पीएम का कहना है कि योग भारत से आया है, मगर यह कॉपीराइट से पूरी तरह मुक्त है। इसका किसी तरह पेटेंट नहीं है। इसके एवज में न ही कोई रॉयल्टी मनी देने की जरूरत है। सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस के विनिवेश की प्रक्रिया रद्द होने वाली है। सरकार ने बार बार हाथ लगी निराशा के चलते पवन हंस की रणनीतिक बिक्री को फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया है। इससे सरकार की विनिवेश योजनाओं को भी तगड़ा झटका लगा है। उम्र राउत की मल्टी स्टारर फिल्म आदिपुरुष का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब लगातार गिरता नजर आ रहा है। ऐसे में फिल्म डूबती नैया को बचाने के लिए मेकर्स ने एक पैंतरा अपनाया है। ये पैंतरा कितना कामयाब हो पाएगा ये तो अगले 2 दिन में ही पता चलेगा। फिल्म को लेकर देश भर में हो रहे विरोध के बीच टी सीरीज ने ये अनाउंस किया है कि अगले 2 दिन यानी 22 जून और 23 जून को आदिपुरुष की 3D की टिकट्स सिर्फ 150 रुपए में मिलेंगी। टी सीरीज ने आदिपुरुष का पोस्टर शेयर किया है जिस पर ये जानकारी दी गई है। ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए, हालांकि ऑफर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु में नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री व माकपा के कद्दावर नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य की बेटी सुचेतना भट्टाचार्य अपना जेंडर चेंज करवाएंगी। अब उनका नया नाम सुचेतन होगा। सुचेतना ने कहा है कि वह जल्दी ऑपरेशन कराकर अपना जेंडर बदलेंगे। इसके लिए वह कानूनी रूप से सलाह ले रही है। साथ ही मनोचिकित्सकों से भी संपर्क किया है ताकि वह इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत हो सके। सुचेतना ने कहा है कि आज वह 41 साल की जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही उन्होंने अपने आप को एक पुरुष के रूप में पहचाना है, इसलिए जेंडर चेंज कराने का फैसला किया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर व एमडी नीरज सिंघल को ईडी हिरासत 24 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी ने सिंघल के 9 जून को 56,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। सिंघल को बुधवार को राव रेवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत में पेश किया गया। 1 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के चलते पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वह अमरनाथ यात्रा का समर्थन करें। इसके साथ साथ तीर्थयात्रियों की सेवा भी करें। मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले और गांदरबल से पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया और निर्देश दिए कि वह अपने अपने कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील करें। गोफर्स्ट एयरलाइन की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। गोफर्स्ट एयरलाइन ने खुद को रिवाइव और उड़ान भरने के लिए एक बार फिर बैंकों के सामने हाथ फैलाया है। कर्ज में डूबी और दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही गोफर्स्ट एयरलाइन ने उड़ान भरने के लिए बैंक से 400 से 600 करोड़ का फंड मांगा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत में लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और पोर्टल से ही वैक्सीनेशन की डेट मिलती थी। हाल ही में कोविन पोर्टल से लोगों का डेटा लीक होने की खबर भी सामने आई थी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई दावे किए जा रहे थे। अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल IFFSO ने इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल IFFSO ने कोविन डेटा लीक मामले में बिहार से एक शख्स को अरेस्ट किया है। आरोपी ने कोविन पोर्टल के डेटा को टेलीग्राम पर शेयर किया था। राजधानी पटना में लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की G20 बैठक आज गुरुवार 22 जून 2023 को हो रही है। G20 मीटिंग के लिए बुधवार को ही विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। G20 की बैठक में शामिल होने आए विदेश मेहमान का पटना एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया था। आज हो रही बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत कल्चरल इवेंट और वेलकम डिनर के साथ हुई। बिहार के आर्टिस्ट इस मौके पर सांस्कृतिक परफॉर्मेंस से विदेशी मेहमानों का दिल जीता। दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक माधेपुर का रहने वाला है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भरा कॉल किया था। DCP हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी दिल्ली में बढ़ाई का काम करता है। वह शराबी है और उसने नशे की हालत में फोन किया था। काबा में RSS और भाजपा की बर्बादी की दुआ के कथित वीडियो को लेकर इस्लामिक मामलों के जानकार सवाल उठा रहे। वे मानते हैं कि राज्य हज कमेटी के चेयरमैन व पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। वीडियो की सत्यता की जांच के बिना ट्वीट करने को वे जायज नहीं मान रहे हैं। अमेजन विवादों में घिर गया। बता दें कि US फेडरल ट्रेड कमीशन ने हाल ही में अमेजन पर इस बात का आरोप लगाया है कि अमेजन ने बिना यूजर्स की सहमति के उन्हें अमेजन प्राइम के पेड सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल कर दिया, साथ ही इसे कैंसिल करना भी मुश्किल बना दिया। फेडरल ट्रेड कमीशन ने सिएटल की फेडरल कोर्ट के अमेजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि अमेजन पर लाखों यूजर्स को अमेजन प्राइम के लिए एनरोल कर धोखा देने का आरोप लगा है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस बार स्वामी ने चीन के मुद्दे पर अपनी सरकार को घेरा है। उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रुख दिखा रहा है, इसके बावजूद अमेरिका ने उसे लेकर कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे में पीएम मोदी खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। पटना में 23 जून को होने वाले प्रमुख विपक्षी ताकतों की मेगा बैठक से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि कई नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं अधिक अनुभवी हैं और हर कोई बैठक में अपनी राय रखेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत शीर्ष विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे। किराए के मकान में रहने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को माफ करने के लिए समिति बनाई है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के लोगों को ये सुविधा दे चुकी है। हालांकि ये छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी जिनका किराया 10,000 रुपए तक है, यानी 10,000 रुपए के ऊपर के किराए वालों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द सरकार रेंट एग्रीमेंट को लेकर घोषणा करने वाली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शुक्रवार यानी 23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने वाले। एमके स्टालिन के बिहार आने से पहले ही ट्विटर पर हैशटैग गो बैक स्टालिन ट्रेंड करने लगा है। वहीं गुरुवार को भी गो बैक स्टालिन और मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहा है। असल में तमिलनाडु में हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया है। मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई वाले फेक वीडियो का प्रचार प्रसार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूपी के बस्तर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाले माफिया हामिद अशरफ की 1.08 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। बस्ती जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हामिद अशरफ ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के पोर्टल को हैक कर देश भर में सनसनी फैला दी थी। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सूबे के CM रहे अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के द्रंग तांगमर्ग में पार्टी के उत्तरी क्षेत्र के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य राज्य में तब पार्टी कमजोर नहीं होगी। अगर राज्य में तब पार्टी कमजोर नहीं हुई होती तो आज कश्मीर से धारा 370 नहीं हटती। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। इस बीच अब खुफिया सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि निज्जर की हत्या के लिए ISI ने एक साथ 3 प्लान बनाए थे। ISI ने पहला प्लान यह बनाया था कि घटना वाले दिन गुरुद्वारे के पास लगातार 3 घंटे तक संदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट चलता रहा था, ताकि जैसे ही गुरुद्वारे से बाहर निज्जर निकलता तो उसे गोली मार दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, निज्जर दिन के वक्त गुरुद्वारे से बाहर निकला ही नहीं, फिर सभी संदिग्ध गाड़ियां चली गई। हालांकि ISI का प्लान भी सफल रहा और जैसे ही पार्किंग क्षेत्र में निज्जर आया उस पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाई है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए साझा एजेंडे पर मुहर लग सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए होने जा रही बैठक पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पटना में 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद भी नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोका जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होने वाले अगले चेयरमैन जका अशरफ ने आते ही एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। इससे पहले वह साल 2011 में PCB के चेयरमैन बने थे, फिर अगस्त साल 2012 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बने थे। नेपाल के तराई क्षेत्र में इन दिनों अचानक से भारतीय रुपए का भाव घटने लगा है। रुपए की घटती वैल्यू दोनों देशों के सीमावर्ती बाजारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। रुपए के मूल्य में आए इस बदलावों का बाजारों पर भी असर देखने लगा है। इस विषय पर नेपाल के लोगों का कहना है कि भारत में हुई नोटबंदी से यहाँ के लोगों में भारतीय रुपए के 500 से और 200 के नोट पर संशय बनने लगे हैं। टीम इंडिया का इस साल एशिया कप, वनडे, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए चयन होना, ऐसे में सिलेक्शन कमेटी का रोल काफी अहम हो जाता है। गौरतलब है कि चेतन शर्मा ने हाल ही में कुछ दिनों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में शिव सुंदर दास चीफ सेलेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कभी भी टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर का ऐलान हो सकता है। हालिया कुछ महीनों के दौरान महंगाई दर में भले ही नरमी आई है, लेकिन इससे अभी भी लोगों को परेशान करना कम नहीं किया है। एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि उच्च महंगाई के कारण पिछले 12 महीने के दौरान करीब 40% भारतीयों की खर्च करने योग्य कमाई कम हुई है। हालांकि रात की बात यह है कि अन्य देशों की तुलना में देखें तो भारत में आई गिरावट कम है।
सुल्तानगंज अगवानी पुल कुछ दिन पहले गिर गया था। इस पुल को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन ने बनाया था। पुल गिरने के बाद बिहार में खूब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं इस हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी पर केंद्र सरकार एक्शन में है। भारत सरकार ने ठोस निर्णय लिया है। 21 जून को एक पत्र भी जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनने वाले सभी पुलों की जांच होगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, संजय चौधरी, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौसाद अंसारी, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी से बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।